नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। करण जौहर इन दिनों अपने चैट शो कॉफी विद करण 7 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। करण के शो में हर हफ्ते कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सबको हैरान कर दे रहे हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और करीना कपूर खान करण के शो में पहुंचे थे। यहां दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़े कई सारे राज खोले। इनमें से कुछ बातें ऐसी थी जिसे उनके फैंस भी नहीं जानते थे। करण ने अपने शो में आने वाले हर गेस्ट से उनकी सेक्स लाइफ को लेकर सवाल जरूर किया है। इसकी शुरुआत आलिया भट्ट और रणवीर सिंह से हुई थी, जो इस सीजन के सबसे पहले गेस्ट थे। इसके बाद विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे से भी यही सवाल किया गया, लेकिन आमिर खान ने करण जौहर के इस सवाल पर उनकी क्लास लगा दी थी। अब बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने करण जौहर के शो पर ऐसा बयान देकर सबको चौंका दिया है। बता दें कि तापसी पन्नू इन दोनों अपनी फिल्म दोबारा को लेकर चर्चा में बनी हुई। अभी हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जो फैंस को काफी पसंद आया था। तापसी पन्नू अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही है। प्रमोशन इवेंट के दौरान तापसी पन्नू से कई सारे सवाल किए गए, लेकिन एक सवाल ने सबका ध्यान खींच लिया। ये सवाल करण जौहर के चैट शो में ना बुलाए जाने को लेकर था, जिसका तापसी पन्नू ने ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी सेक्स लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। बता दें कि करण जौहर अपने शो में आने वाले गेस्ट से सेक्स लाइफ को लेकर सवाल जरूर पूछते हैं। और अब तापसी पन्नू ने शो में ना बुलाए जाने पर करण जौहर पर सीधा निशाना साध दिया है। तापसी ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि शो में वही स्टार्स जाते हैं जिनकी सेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। कहना गलत नहीं होगा कि तापसी पन्नू ने बिना किसी का नाम लिए कॉफी विद करण 7 में ना बुलाए जाने पर तंज कस दिया है। बता दें कि करण जौहर का ये शो जब जब नए सीजन के साथ आता है, इसे लेकर हर बार बवाल देखने को मिलता है। ये शो हमेशा विवादों में फंसा रहता है और अब तापसी ने भी करण जौहर से पंगा ले लिया है। बात करें तापसी पन्नू की वर्क फ्रंट की, तो जल्द ही तापसी पन्नू डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा में नजर आने वाली है। ये फिल्म 19 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। वैसे तापसी पन्नू के इस कमेंट पर करण जौहर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।